एक बात बताओ, आजकल ना बहुत ज्यादा ना ट्रेंडिंग में है ये पूरी बोल सीरीज, चाहे वो उल्लू ऐप पे हो, बहुत सारे ऐप्स पर हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, इस पे आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इंसान जो भी करना चाहे बेबाकी से स्वतंत्र होकर कर सकता है, लोकतंत्र राज है बिल्कुल तो कोई भी कर सकता है। बस ये है, डिपेंड करता है कि आपने अगर कुछ अचीव किया है लाइफ में तो अब उसको बिगाड़े नहीं, बाकी परिस्थिति किसको क्या करवाती है उस पे नो कमेंट। करेक्ट ठीक है, अभी करेक्ट आपने जिस ऐप का नाम लिया, ठीक है, लोग कर रहे हैं, हैप्पी हैं, और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पहुंचाता ही है। बहुत सारे लेजेंड एक्टर भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसको ये कोई मुद्दा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, सब ठीक है। अच्छा ओके सो आप, क्योंकि मैं आपको आज हमारी सेकंड मीटिंग है, लास्ट हम उल्लू की होली पार्टी में मिले हाँ, हम थे। उल्लू की पार्टी में मिले थे एंड शी इज डैम डैम गुड। सो मीनाक्षी, जैसे आपको कितना टाइम हो गया मुंबई में? मुंबई में मुझे 7.5 साल हो गए। 7.5 साल। एक्यूरेट, ओके तो आप सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग करने आई थी या क्या करने आई थी? मैं एक्टिंग में ही आगे जाने के लिए आई थी, लेकिन चूंकि गला ईश्वर ने दिया हुआ है, सरस्वती माँ की कृपा है, तो मैंने मुंबई में शुरुआत म्यूजिक से ही की। बेस मेरा म्यूजिक ही है, ओके उसकी वजह से मुझे डबिंग के ऑफर्स मिले। हाँ और अब मैं पूरे 100 किलो की थी, 2 कम 100 किलो, 98 kg थी मैं। मैं केम इन मुंबई, सो ओके फिर मैंने वेट लॉस किया, फिर मैंने प्रिंट मीडिया के काफी काम किए मैंने। अच्छा ओके प्रिंट मीडिया में जैसे क्या किया आपने? प्रिंट में मैंने साड़ी, लहंगा, ये सब कुछ किया है, वाह सब कुछ किया है। वापस से क्या, मुझे तो लगता है कि मैं जितनी एक्सरसाइज करूँगी उतनी कम है, क्योंकि पर्टिकुलर कैमरे के लिए जो चाहिए आई मुझे। फील यू आर एब्सोल्यूटली फाइन, प्लीज प्लीज यू आर एब्सोल्यूटली फाइन, डोंट थिंक हाँ इन दैट वे कि यहाँ पे तुम कम हो या पे ज्यादा, कुछ नहीं, यू आर एब्सोल्यूटली फाइन मीनाक्षी, यू या आर दी बेस्ट, दैट्स इट। एग्रीड विद दिस, मगर मुझे ऐसा होना है। अरे बट यू आर ऑलरेडी फाइन, परफेक्ट। आप देखो मीनाक्षी, परफेक्शन तो कभी नहीं आता मैम, परफेक्शन की बात। मीनाक्षी देखो मैं बताती हूँ, ऐश्वर्या राय हैज हर ओन पर्सनैलिटी, सुष्मिता हैज हर ओन। सी ना, तो सुष्मिता कभी ऐश्वर्या बन सकती है ना ऐश्वर्या सुष्मिता। यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी, ओन ऑरा, व्हाई यू वांट टू बी समबडी एल्स? योर नहीं अरे मुझे, गाइस, मुझे ईमानदारी से बताना हाउ गुड शी इज, कितनी खूबसूरत है ये, प्लीज मुझे ईमानदारी से बताएं। आई वुड लव टू नो योर आंसर, क्योंकि मैं ना इसे स्क्रीनशॉट खींच के भेजूंगी कि देखो कितनी खूबसूरत हो तुम। एक्चुअली गाइस, बात ऐसी है कि इसलिए नहीं स्लिम होना कि मैं किसी के जैसे दिख सकूं, मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो मुझे चाहिए कि मैं कोई भी आउटफिट अच्छा पहन सकूं, स्टाइलिश पहन प्लीज, सकूं। ऐसा बिल्कुल नहीं तो सोच लेना। मुझे हल्का फुल्का रखना है खुद को। अगर आपके साथ रेस करनी हो तो मुझे सोचना नहीं पड़े कि अरे मैं इतने लंबे ऊंचे पहाड़ पर। एक्सक्यूजेस, एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर, बट ठीक है, मुझे एक अच्छी हेल्दी बॉडी ये मुझे चाहिए। सुनाई देना बंद हो चुका है। अच्छा मीनाक्षी बताओ, जैसे यू हैव बीन इन बॉम्बे सिंस लाइक लॉन्ग टाइम, सो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स मिले होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारी फेक कास्टिंग्स देखी होगी, कोई एक दो किस्से शेयर करो ना मेरे साथ, आई वुड लव टू नो दिस, कि यहाँ पे लोग क्या बनाते हैं, क्यों बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, क्या हुआ कि जब मैं नई नई आई तो मैं ओशिवारा में, क्या होता है कि अब अंधेरी और ओशिवारा लोखंड वाला के कॉस्टिंग तो आप जानते हैं, 25-30 हज़ार से नीचे अच्छे फ्लैट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेंड है कि शेयरिंग में साथ में लड़कियों को रख लिया, हालांकि बहुत सारे अच्छी अच्छी लड़कियां भी मेरे साथ रही हैं, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे। तो मेरे साथ दो लड़कियां थी, एक रश्मि पटेल करके, रश्मि भी देखेगी इस इंटरव्यू को, बहुत अच्छे दिन थे, और एक ज्योति करके थी, जूही, सो कॉल्ड जूही। तो जूही को मुझे बहुत लोगों ने ऑलरेडी नचा चुके थे कि मतलब यहाँ पे काम है, वहां पे काम है। अच्छा, पढ़े लिखे होने का बहुत फायदा होता है, जब आपको एक क्वालिफाइड रहते हैं आप, तो आधी दुनिया तो आपने ऐसी देखी होती है। तो मैं 8th क्लास से सर्टिफिकेट में, बहुत सारे लोगों को मालूम है, कई इंटरव्यूज में मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरी जर्नी को ट्यूशन वगैरह से स्टार्ट हुई, बहुत सारा काम किया मैंने, तो मैं आधी आधा तो मैं सीख के आई थी, तो मजमूल जान लेते, लिफाफा देख के वाला हाल था, तो मैं ज्यादा बेवकूफ बनी नहीं। हाँ, जान जाती थी कि इनसे काम नहीं बनेगा, मतलब तुमसे ना हो पाएगा वाला, मैं समझ जाती थी कि नहीं हो पाएगा ऐसे। तो एक कोई सलीम खान करके था, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा ट्रेंड है, पर्टिकुलर खान गार्डनिंग। शाह,
खान नहीं खान ओके okay. कुछ लोगों का ऐसा है कि गाड़ी ले ली hmm. और अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए hmm. और बस चश्मा लगा के बाबू साहब अरे जैसे होता है यहाँ पे कुछ चौराहे ऐसे हैं हम मुंबई के हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी ले लो आदर्श नगर तीसरा चौराहा बहुत सारे चौराहे वहां पे फिल्में ऐसे रिलीज हो जाती है ऑन टेबल हाँ और ये खिलाएंगे क्या गाड़ी में बिठा के आपको शोरमा ये वो मतलब लड़कियां सोचती है अरे यार अच्छा यहाँ पे फूड भी इतना एक्सपेंसिव और सब कुछ तो लड़की को लगता है बस इसमें हो गया मैं आई थी मैं सीधे जॉब में ही आई थी इवेंट कंपनी में जॉब कर रही थी फिर मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया साइड में तो मुझे इतना सर्वाइवल के लिए कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि म्यूजिक था म्यूजिक के साथ में डबिंग वगैरह मिलती रही शो स्टेज शो शुरू किए थे फिर सीखना शुरू कर दिया वही पैसा मैंने सीखने में लगाया और यहाँ यही होता है ये मैं और नए लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आते हैं अगर आपके पास काम नहीं है तो अपनी ही फील्ड में जैसे आप एक्टर बनना चाहते हैं तो असिस्ट करिए किसी को एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर या मैंने तो प्रोडक्शन में काम किया है मैनेजमेंट संभाला है 16 घंटे के 8,000 रुपए मिले थे मैम अभी कुकू एफएम का मैंने बीच में शूट किया था उनको एक हॉस्टेस चाहिए थी कौन आजाद जी डायरेक्टर थे नहीं आजाद जी नहीं एक नाम मैं थोड़ा बोल रही हूँ मनीष करके थे अच्छा okay. तो मैंने कुकू एफएम ये वसई का एक प्रोजेक्ट सॉरी प्रोडक्शन था वसई का प्रोडक्शन था उसमें उन लोगों ने कोको एफएम का एक शूट किया था तो उसमें मुझे बोला गया कि 2 दिन आपको संभालना है अब वो 2 दिन क्या हुआ कि 2 दिन से ज्यादा हो गए तो उन्होंने पेमेंट भी खैर बढ़ा के दी लेकिन मेरे पैर ऐसे जम गए कांप रहे थे लिटरली मैंने इतनी मेहनत बहुत टाइम बाद की थी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिंग ही करनी है या सिंगर बनना है या डांसर बनना है तो हाउ टू सर्वाइव योर सेल्फ आपको उससे जुड़े हुए लॉबी में जो भी काम है मैंने बहुत रिसर्च किया है दोस्तों आप अगर आर्टिस्ट हैं जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं किसी को असिस्ट करके कोई कास्टिंग का काम करके ऐसा नहीं कि सारे कास्टिंग वाले सब बुरे ही हैं या कोऑर्डिनेटर्स बुरे ही हैं उसमें से 50% इज वेरी जेन्युइन वो कोई एक्टिंग में है कोई मॉडलिंग में है वो किसी क्रू में काम करके आ रहे हैं इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं भूमि पेडनेकर से लेकर के परिणीति चोपड़ा तक जो कई कई काम करके आए जब तक जो आपको काम करना है उसकी डेप्थ सीखने के लिए तो आपको मछुआरे को तो तालाब में उतरना पड़ेगा ना वेरी ट्रू ठीक है तो ये एक मेरे तरफ से मैसेज भी है नए लोगों को जो भी ये देखेंगे बच्चे या जो कहीं से आना चाहते हैं तो पहले वो फिक्स कर लें कि यहाँ अगर आए तो अच्छे खासे अपनी पढ़ाई छोड़ के ना आए पढ़ाई करते रहे साइड में अभी तो कितने सारे ऑप्शंस है कि आप करेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं या जिस शहर में रहे वहां पढ़ सकते हैं मैंने ऐसी भी लड़कियों को देखा है जो यहाँ के आर्टिस्ट भी बनी है और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ कंप्लीट किया है उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है ये बहुत जरूरी पढ़ाई बहुत जरूरी तो मैं कह रही थी कि ये किस्सा कि सलीम खान नाम का आदमी जूही को बोला कि वैसे ही घुमा रहा था उसको भी तो मुझसे वो तारीफ करने लगी कही दीदी एक आदमी है और उसकी बहुत पहचान है मतलब क्या मासूमियत होती है नए लोगों में बोले कि वो बहुत पहचान है और मैंने उसने नंबर दिखाया मैंने कहा ठीक है तो मैं काम करूँ उनको चाय पे बुलाऊ ठीक है उसके बाद और मैं चाय लेके आऊंगी हाँ, हाँ, हाँ। तो बंदा आया खूब बड़ी बड़ी हाँक रहा था रश्मि और जूही के सामने बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा था जैसे ही मैं चाय लेकर के ड्राइंग रूम में आई उठ के खड़ा हुआ अपने शर्ट ठीक किया मतलब ऐसा करते हैं ना घबराहट में कहा ठीक है जूही जी मैं चाय भी नहीं पीता हूँ मैं बाद में मिलता हूँ आपको बस हम तीनों लड़कियों ने पकड़ के उसको मारा नहीं हाँ बाकी उसके बाद वो हम तीनों में से किसी को भी नहीं मिला जूही का पूरा नाम क्या है जूही का नाम ज्योति परमार है अच्छा मैं नहीं जानती हाँ आप नहीं जानते वो शायद दिल्ली शिफ्ट हो गए मेरे टच में भी नहीं है पिछले 4 साल से क्योंकि क्या होता है कि एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा किसी से जुड़ते हैं तो किसी वजह से बहुत फिर एक दूसरे को देखना भी नहीं हो पाता और ये मुंबई बहुत टेस्ट लेती है बहुत इम्तिहान लेती है बहुत सारे लोग छूट जाते हैं फिर आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि सिर्फ आप प्रोफेशनल रिलेशन पे ही बिलीव करते हैं एक टाइम के बाद ऐसा होता है इतने लोगों को आप पैम्पर करते हैं खिलाते पिलाते हैं नहीं अपने घर में रखते हैं
ठीक है, फिर वो ही आपके कॉन्टेक्ट यूज कर लेंगे, वो ही आपके कपड़े यूज कर लेंगे, वो ही आपको मार्केट में आपका नाम खराब कर देंगे। और उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करती हूँ, इसलिए तो नाम भी खराब कर देंगे। उसके बाद ऐसा भोले बन जाएंगे कि अरे हम, मैं तो आपके बहुत सगे हूँ या मैं आपके बहुत अच्छे हूँ, तो फिर मन टूट जाता है। और मैंने एक टाइम तक ना 5 साल, मेरी एक फ्रेंड थी मरोल में रहती थी, तो जब बिगनिंग आई ना तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तो मुझे उसने अपने घर में रखा। तो मैंने ऐसा नहीं उसका खामियाजा नहीं बोलता, मैंने उसको जो भी अर्निंग सोर्सेस से हो सकता था, जो भी फिजिकली हेल्प हो सकती थी उसके घर में, या जितनी बार उसका उसके सो कॉल्ड हस्बैंड से लड़ाई होती थी या बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता, तो मैं जाके देखती थी। इतनी बार मैंने उसकी जान बचाई है कि वो एहसान तो कितने साल पहले चुप गया होगा। फिर एंड ऑफ द टाइम मैं जो मैंने उसको छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं यहाँ किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आई। मैं खुद की लाइफ को देखूं या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं? और कब तक करूं? कब तक करूं? सो आज की डेट में करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो? हाउ यू सर्वाइविंग? अभी क्या चल रहा है लाइफ में? मैं सिर्फ अभी तो मेरे डबिंग्स पे डिपेंड हूँ और सेविंग्स पे डिपेंड हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी में हूँ, उसके लिए बॉडी फर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं इसलिए आपको मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक लगती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो करीना कपूर को भी लीन होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्किन का, बालों का, इसलिए मैं ज्यादा पार्टीज वगैरह नहीं अटेंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप स्किन पे बालों पे इतना काम करते हैं, फिर अगर आपको दो दो तीन तीन रातें जगने को बोल दिया जाए तो फिर और ज्यादा डार्क सर्कल्स और बहुत दिखता है आपके चेहरे पर, दैट यू पार्टिंग आउट। सो तो अभी आप बेसिकली अपने आप पे काम कर रहे हैं, यू फॉर्मिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, वेरी गुड। या वेरी, क्योंकि पता क्या होता है कभी कभी आपको अपने आप को भी समय तो देना पड़ता है। और जब आर्टिस्ट के पास, ये कई लोग बोल चुके हैं कि, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया होगा, कि जब आर्टिस्ट के पास काम नहीं होता एक्चुअली सबसे ज्यादा काम होता है। आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, आपको बैक स्टोरीज के लिए बहुत सारा पढ़ना होता है। मतलब हमारे यहाँ, मैंने नव कुमार जी के यहाँ से ट्रेनिंग ली है थोड़ी, और नव कुमार, डॉक्टर नव कुमार आ चुके हैं, तो उनके यहाँ से मैं गई थी डायरेक्शन की क्लास में एक डेमो लेने, फिर मैं उनके स्टूडेंट ही बन गई एक्टिंग की। डेडिकेशन। तो मैंने वहां सीखा कि नो डाटा नो एक्टिंग। आपको अगर कोई पंडित की लड़की है नॉर्थ की, और वो केरला में पैदा हुई है, केरला में पली बड़ी है, तो संस्कार और अपब्रिंगिंग उसकी पंडितों जैसी है, लेकिन जो उसकी वाइब्स और उसका बोलना और पहनने का तरीका है वो केरल का है, उसका हिंदी बोलने का तरीका केरल का है, तो वो कैसे करेगी? अब उसको होमवर्क करने के लिए आपको कितना पढ़ना और कितना रिसर्च करना पड़ेगा। True. या जितने भी हमारे रॉ से लेकर के बहुत सारे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे या और सब्जेक्ट पे जो चीजें बनती हैं, उनके लिए एक्टर्स को कितना काम करना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें, आपने कहा कि अपने पे काम कर रहे हो, तो दोस्तों जैसे बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं कि आप तुरंत पतले हो सकते हैं और तुरंत मोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक बहुत बढ़िया कलाकार हैं बड़े, आमिर खान साहब, आमिर खान साहब को देखिए, उन्होंने दंगल की, तो उन्होंने पूरे 1 से 1.5 साल शायद लगाया बॉडी को फर्म करने में। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। वो क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं है इंजेक्शंस के या बोटॉक्स?